फास्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2007 में हमने बाकायदा रजिस्टर किया, और इससे पहले हम सेवन शरीफ में 2003 से जो है वो काम कर रहे थे। जेंडर इक्विटी प्रोग्राम जो औरतों के हकूक़ के हवाले से था, उसके ऊपर जो काम किया वो तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे सिंध के, जिसमें हैदराबाद, जामशोरो, ठट्ठा, बदीन, टंडो मोहम्मद खान और टंडोवाला यार था। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको हम देख रहे हैं वो है वाश, वाटर सैनिटेशन के अंदर हमने कोई अप्रोक्सीमेटली एक अंदाजन जो मैं आपको बताऊंगा कि 30,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को हमने असिस्ट किया, जिसमें टॉयलेट्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड की है लोगों को। और इसी तरह थर में फूड सिक्योरिटी को जहन में रखते हुए हमने छोटे छोटे इकदाम शुरू किए हैं, जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे हम किचन गार्डनिंग की बात करें, जो क्लाइमेट फ्रेंडली वेजिटेबल्स हैं या फसलें हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमने काम किया, ताकि लोगों को खुराक की किल्लत का सामना ना करना पड़े। आप अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स खुद किस तरह बना सकते हैं, अपने पाँव पर खुद किस तरह खड़े हो सकते हैं, तो एक तो कम्यूनिटी की डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, हमने उनको सपोर्ट करके अपने पांव पे खड़ा होना सिखाया, अपने राइट्स के लिए वो खुद बात करना सीखें। FRDP का जो मेन ऑफिस है वो अभी हैदराबाद में है, जो कासमाबाद हैदराबाद में है, जिसमें हमारी जो भी कोर टीम है वो वहाँ पे बैठती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से लेके दूसरी जो भी सारी टीम है, जो मैनेजमेंट टीम है, वो सारी वहाँ पे होती है। इसके अलावा हमारे पास दो ऑफिसेज हैं, एक हमारी थरपारकर के अंदर है जिसमें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, एक दूसरी हमारी ऑफिस जो है वो जैकवाबाद के अंदर है, जहाँ पे हमारा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमारे एजुकेशन पे हैं और दूसरी भी प्रोजेक्ट्स हमारे प्रोसेस में वहाँ पे। My name is Noreen. I'm HR officer here. Our main focus is on gender equality recruitment process and to facilitate employees. We ensure that our gender equality remains balanced and managed in all levels of organization. We ensure that we have equal number of male and female staff at our office and as well as in our fields. Even organize karna जैसा कि ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप के लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोअर स्टाफ है यानी जो फील्ड वर्कर्स हैं, वो जो काम करते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, एंड देन ये चेक करना, ये मॉनिटर करना कि जो काम हो रहा है वो एज क्वालिटी जो है इस काम की एज पर टू एग्रीड है या नहीं है। अगर कहीं भी कुछ भी कोई चीज़ रह जाती है, कोई कमी पेशी हो जाती है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि उस चीज़ को अकॉर्डिंग टू द बजट, क्वालिटी और टाइम हम उसको चेंज कर सकें, रिपेयर कर सकें। रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ काम करें, अपनी कम्युनिटीज़ को, अपने लोगों को खुद जैसा समझते हुए उसी जज्बे और कमिटमेंट के साथ काम करें कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। जिस तरह हम ग्रो कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम एक नेशनल लेवल पर एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे और अपनी कम्युनिटी की फलाह और बहबूद के लिए अपना किरदार जो है वो अहसन तरीके से अंजाम दे पाएंगे।